रहा अदब देखें, अजीम उस्ताद का अजीम शागिर्द है। और इंशाल्लाह मैंने कई मरतबा देखा कि मुफ्ती तकी साहब जब बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस का सबक देते हैं, मेरे शेख हैं, तो फरमाते हैं कि मैं तकरार में हमारे मदरसों में तकरार होता, शागिर्द उस्ताद को सबक सुनाता है, तो मैं अपना सबक सुनाने लगा हूं। तो मैंने अभी कहा जब हजरत ने माजरत की, मैंने कहा हजरत आज तो बड़ा सुनहरी मौका मिला कि आपके इन लफ्जों में मजाजी माना कोई नहीं होगा, हकीकी माना ही होगा, और वाकया पर आप अपने अजीम उस्ताद को आज सबक सुनाएंगे। मैं हजरात के शुक्रगुजार हूं। तीन दिन पहले हज मुफ्ती तकी साहब दामद बरकात उनकी आंखों का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, इसके बावजूद तशरीफ लाए। मैंने अब मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब से दरख्वास्त की, मेरा दिल चाहता है आप तशरीफ लाए। हजरत मौलाना के शौक का फरमाया मैं जरूर आऊंगा। हजरत मौलाना फजली रहमान साहब दामद बरकात अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। यह हमारे लिए पाकिस्तान में इस्लामी तारीख और इंकलाब की सबसे बड़ी उम्मीद है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनका इस्लाम का इसी तरह वकील और तर्जुमान बनाए, तमाम पर मशरूफ इलाज। और इमाम काबा तशरीफ लाए हैं, तीन दिन मुझे भी उनके साथ लाहौर में शरफ हासिल हुआ। वहां इस्लामाबाद में अगर मौलाना से भी उनकी मुलाकात रही, बल्कि मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो इमाम काबा ने मौलाना से कहा कि आज मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इमाम काबा का आज भी मुझे पैगाम आया कि मैं जरूर आता, मगर मेरे साथ कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मसरूफ मजबूरियां हैं कि हुकूमत सऊदीया की इजाजत के बगैर मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने भी अपने मुख्तलिफ साथियों के जरिए आज आपको दुआओं का और मुबारकबाद का पैगाम भेजा। ये मजलिस की इंशाअल्लाह कबूलियत है कि इसमें कितने बड़े बड़े अहले दिल मौजूद हैं। हमारे हाफिज़ुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हज़रत मौलाना फिदाउर रहमान दरख्वास्ती साहब दामत बरकातुन कल पहुंचे इस्लामाबाद से कराची, दावतनामा पड़ा, मुझे फोन किया और कहा मनी हमीन मैं भी आ रहा हूं, जरूर आऊंगा। मैंने कहा आपके बजान होते तो ये भी जरूर आते और आपने भी उनकी जानशीनी का हक अदा किया, तशरीफ लाए। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुन तमाम पर मशरूफियात के बावजूद तशरीफ लाए। हज़रत पीर नासिरुद्दीन खान खातमानी साहब दामत बरकातुन हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब और तीन चार माह पहले ख्वाजा खान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इस इदारे के खुसूसी सरपरस्त थे, हर तकलीफ में तशरीफ लाते थे, उनकी जानशीन ख्वाजा फलील साहब दामत बरकातुन ने तो मुझे तीन माह पहले फरमाया कि जो तारीख मुतय्यन मुझे बता गई मैंने उसमें जरूर आना है। मैं इन सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद उम्मत आलमी मजलिस ताकी खत्म नबूवत के अमीर जो मेरे दादा के काबिल फख्र शागिर्द थे, मेरे दादा के मुल्तान लाने वाले फैसलाबाद से पाकिस्तान बनने के बाद वो थे, मैं उनके साथ दादे हजरत मौलाना अजीज रहमान साहब जालंधरी दामत बरकातुन इनका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत से अगरात यहाँ मौजूद हैं, दिल चाहता है कि फर्दन फर्दन नाम में वक्त की कमी की वजह से नाम नहीं ले रहा, मैं इन सब अगरात का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने खैर मदारस की सरपरस्ती की और बार बार मेरे दिल में यह आ रहा था कि हमारे खैर मदारस की इसी इमारत में कब्रिस्तान है जो मदरसे की जमीन पर नहीं मेरे दादा की जाती जमीन पर है। हमारे दादा जान ने नसीहत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र मदरसे में न बनाना, मदरसे की जमीन वक्फ होती है, अपनी जाति जेब से ये जगह खरीदी और कहा यह मैंने इसलिए खरीदी है मदरसे में लोग आएंगे हमारी कब्र पर भी हाजिरी दे देंगे, दुआ कर देंगे। और यकीनन इस वक्त वो कब्र में यहां मरकजी खैर में हजरत मौलाना खैर में मसाउन के लाली सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और ये सब सुन रहे होंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालंधर यहाँ तो आराम फरमा है, सुन रहे होंगे। हजरत मौलाना कारी नजीम बख्शा नाम की लाली यहाँ मौजूद है और वो सुन रहे होंगे। ये तमाम अकादर का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जैसे मौलाना हबी साहब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को भी दुनिया की कोई ताकत न मिटा सकी न मिटा सकेगी और इस्लाम के मराकिज को मदारिस को भी कोई ताकत न मिटा सकी न मिटा सकेगी। इन
इंशाल्लाह ये खान मदारस की जाना मकसद इंशाल्लाह अजीम शान मनसूबा में नई बन गई है। यह दारुल कुरान नया बना है। आप सरवरात से जहां और तादीन की दरखास्त है, मिलकर दैनिक मुल्क से बहुत बड़ी तादाद में इलामा और तमाम हमारे अहबाब मैं तमाम मदारिस के मोहतरमीन सरबरा असाजा शेख हदीस वफाकुल मदारिस के आमला के अराकीन मसूलीन और उनके मोहतमदीन और तमाम का फर्दन फर्दन शुक्रगुजार हूं। मैसेज टीवी, दिस इज योर चैनल। This is your channel.